सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, मार्केट आवर्स में आज वीडियो बना रहा हूँ, खास करके IRCTC के लिए। कई मैसेजेस आए, कहा गया सर अब क्या करना चाहिए, बढ़ तो रहा है भाव दिनों दिन, समय समय दर समय IRCTC का भाव बढ़ रहा है, जरा कुछ मार्गदर्शन हो जाए। तो मैंने भी कहा चलो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए कुछ बाइंग में। तो दोस्तों आपके लिए खास करके ये जो मैं स्ट्रेटेजी बनाया हूँ ये आपके लिए एकदम सेफ और साउंड सिस्टम में है। चलिए क्या है बात, क्या है विषय, इस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। और वीडियो के एंड में दोस्तों कुछ खास घोषणा करने वाला हूँ स्पेशली टीचर्स के लिए। चलिए अभी ध्यान आपका आकर्षित कर रहा हूँ। दोस्तों बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं कुछ घोषित भी कर रहा हूँ और कुछ कहने भी जा रहा हूँ, खासकर IRCTC के बारे में। ये मेरा पार्ट 52 चल रहा है और मैं आपका ध्यान पार्ट 1 की तरफ ले जा रहा हूँ, जो मैंने 4 जनवरी 2020 के दिन बनाया था। वो वीडियो एक बार आप चाहें तो फिर से देख लीजिए। और उस दिन IRCTC का भाव था 931, 4th जनवरी 2020 के दिन। और केवल 1.5 साल में ही दोस्तों, विथिन 1.5 ईयर, इसने 3 गुना भाव ऊपर करके दिखा दिया IRCTC ने। देख लीजिए दोस्तों, 931 का मैंने जो वीडियो बनाया था 4 जनवरी के दिन, और अभी जो करंट मार्केट चल रहा है इस मार्केट अवर्स में 2855, एग्जैक्टली 3 गुना से भी ज़्यादा भाव चल रहा है दोस्तों। तो जो दोस्तों आज एक पार्ट वन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग प्रॉफिट में हैं, सभी लोग खुश हैं। और उसी दौरान इसी पॉइंट से कई मेंबर्स भी हो गए, कई मेंबर्स आज पॉजिटिव टच में चल भी रहे हैं और कार्य भी विषय तेजी में है, प्रगतिशील है, और क्या कहें। चलिए आपका ध्यान वास्तविक रूप से अभी ध्यान आकर्षित करूंगा IRCTC में। IRCTC का दोस्तों अभी करंट मार्केट जो इस समय चल रहा है 2855 का, आज वैसे भी फ्राइडे है तो अप डाउन हो सकता है, स्टॉक मार्केट भी अप डाउन होगा, सेंसेक्स भी अप डाउन हो सकता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकता है आज के दिन, क्योंकि फ्राइडे के दिन ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन भी हो जाता है। मार्केट यूटिलाइजेशन दोस्तों अब देखिए इसका जोरदार, पिछला वीडियो देखिए और अभी का देखिए, 45,680 करोड़, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार। तो आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है दोस्तों ये कहते हुए कि IRCTC ने 3 गुना लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा उसके ऊपर ही चल रहा है आज, और आगे भी अच्छा ही रूप स्वरूप होगा, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी दोस्तों इस तरह से जब भाव चल रहा है तो प्रश्नवाचक ये चिन्ह आ रहा है कि अभी क्या करें, क्योंकि अभी तक कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं आया है कि कब इसका स्प्लिट डेट क्या है क्या नहीं, कुछ भी अभी तक ऐसा डेट नहीं आया है कि किस तारीख को किस दिन ये स्प्लिट होने वाला है। तो दोस्तों मेरे इस शब्दों पे आपका विशेष ध्यान हो। अक्सर क्या होता है, मार्केट में दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी पर आपका ध्यान रहे। न्यूज से पहले शेयर प्राइस को ऊपर किया जाए, ये स्ट्रेटेजी होता है ट्रेडर्स लोगों का। न्यूज आने से पहले बढ़ाया जाए, शेयर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, लेते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। और जिस दिन न्यूज आ गया कि इस तारीख को IRCTC का स्प्लिट होगा, बस उसी दिन सारा शेयर्स बेच दो। न्यूज अच्छा आ गया, डेट आ गया, लेकिन शेयर्स बेच के भाव नीचे आ गया। हम समझ ही नहीं पाते ये क्या हुआ, अच्छा न्यूज में ये क्यों गिर रहा है। अक्सर ये स्ट्रेटेजी होता है। तो इसमें एक पॉजिटिव बात हो गई, पॉजिटिव रिएक्शन हुआ किसका, न्यूज का। लेकिन यहां पर मार्केट में नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा ये कि न्यूज आ गया लेकिन नजदीक का न्यूज है, वो न्यूज में क्या हो सकता है, जो मैंने पहला कहा उसमें ये हो सकता है कि अक्टूबर के किसी तारीख को काफी दिन बाकी है तो अब तक क्या करें, तब तक तो अब तक बेच बाज के चलिए निकल जाते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल लेते हैं, ये होता है ट्रेडर्स लोगों का स्ट्रेटेजी। और मान लो इसी महीने के सितंबर महीने में ही कोई तारीख को आ गया तो जो भाव अभी देख रहे हैं दोस्तों उससे भी काफी ऊंचाई पर जाएगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, एक स्मार्ट बाइंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां आपका विशेष ध्यान हो। स्मार्ट बाइंग स्ट्रेटेजी ये कहता है अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो चलो मानते हैं स्प्लिट तो होना निश्चित ही है, तो
तो हम दो शेयर बाय कर देते हैं, हम दो शेयर बाय कर लिए इसी करंट मार्केट प्राइस पे, चलिए कोई बात नहीं, बहुत महंगे में खरीद रहे हैं लेकिन दो शेयर ले लिए, और पॉजिटिव इंपैक्ट यहां से और मान लो हुआ और 100 रुपया और ऊपर गया, तो वहां हम एक शेयर बेच देते हैं, क्योंकि IRCTC का शेयर तो सभी के पास है और आपके पास भी है और होना भी चाहिए, और पहले से ऑलरेडी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। लेकिन इस समय स्मार्ट बाइंग स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने करंट प्राइस पे दो शेयर्स खरीद लिया, और जब इसका पॉजिटिव रिएक्शन आएगा तब हम उस पर 100 रुपये के ऊपर, जब इसका भाव इससे 100 रुपीज ऊपर है तो वहां पर हमने एक शेयर बेच दिया, फिर भी आपके पास एक शेयर बाकी है, वो स्प्रिट के लिए रखा है, वो बाद में जब स्प्रिट होगा तब देखा जाएगा। ये हुआ हमारा पॉजिटिव रिएक्शन का काम। मान लो दूसरा नेगेटिव रिएक्शन आ गया, आपने इसी भाव पे करंट मार्केट प्राइस पे ही आप ले रहे हैं 2855, 2860, 70 जो भी चल रहा है, अभी 2840 जो भी भाव चल रहा है आपने ले लिया, कितना लिया है, दो शेयर्स। अब नेगेटिव रिएक्शन पर क्या होगा कि आपने बाय कर लिया दो शेयर्स और इसका भाव 50-70-80 रुपया चला गया है ऊपर, और अचानक क्या हुआ कि न्यूज आ गया कि अक्टूबर में करेंगे, तुरंत बेचना शुरू, मार्केट तुरंत नीचे गिरने लगेगा, उस समय आपने दो बाय किया, दो सेल कर दीजिए, आप प्रॉफिट में निकल गए, बस नाउ वी रिलैक्स, तो हर तरफ से आप फायदे में हुए। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में तो आप पूर्ण रूप से फायदे में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपका ध्यान मार्केट वॉच पे पूरा होना चाहिए, ध्यान पूरा रहना चाहिए। आप किसी काम में व्यस्त हो गए और यहाँ वहाँ ध्यान हट गया और IRCTC में कुछ हो रहा है तो फिर आप रह गए। तो इसलिए जब आप ध्यान दे सकते हैं, समय दे सकते हैं या अलर्ट रहेंगे IRCTC से संबंधित, तभी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए, क्योंकि पैसा तो लगाना अपनी जगह है लेकिन ध्यान देना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बस दोस्तों, मैं मानता हूँ इस स्ट्रेटेजी को आप समझ लिए होंगे कि पॉजिटिव रिएक्शन हुआ तो हमने दो लिया एक बेचा, नेगेटिव रिएक्शन आया तो दो लिया दोनों बेच दिया, नो प्रॉब्लम। बाद में तो स्प्लिट के बाद तो आप जितना चाहे खरीदिए ना, कहाँ भागा जा रहा है, IRCTC तो सदैव रहेगा, तो इसमें क्या जल्दबाजी करना, लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। बस तो यही स्ट्रेटेजी और यही पॉइंट अप्लाई करना था दोस्तों, आपकी इसी नॉलेज के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। हाँ दोस्तों, खास करके टीचर्स के लिए मैं, आप जानते हैं पिछले साल भी मैंने जो किया था इस साल भी मैं वही करने जा रहा हूँ। पिछले साल भी दोस्तों मैंने यही कहा था कि टीचर्स, प्रोफेसर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी हैं उन सभी को हम मेंबरशिप का ऑफर दिए थे पिछले साल भी, और एक साल का मेंबरशिप जो भी लेते हैं उन्हें 50% डिस्काउंट है दोस्तों, ओनली टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो हैं उन्हीं के लिए ये बात लागू होता है। आज 3 सितंबर है, 4 और 5, आज की तारीख से या अभी से लेकर 5 सितंबर टीचर्स डे तक रात के 9 बजे तक जो भी टीचर्स प्रोफेसर हैं वो अगर मेंबरशिप एक साल का लेते हैं तो उन्हें 50% डिस्काउंट है, मेंबरशिप के फीस में 50% डिस्काउंट है, ओनली फॉर टीचर्स, ओनली फॉर प्रोफेसर टीचर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, बाकी लोगों के लिए लागू नहीं है, समय ही ऐसी बात है, तो हम पिछले साल की बात जो किए वो आज भी कह रहे हैं, ये उनके प्रति सम्मान है मेरा, हम भी उसी फील्ड से हो के चल रहे हैं, आज भी उसी तारीख में हैं, तो हम भी चाहेंगे अपने सहयोगी साथी वो भी साथ चलें, पैसा बनाएं, पैसा कमाएं, जैसे सभी कर रहे हैं, सभी लोग शामिल हैं आज, आज हमारे पास देश विदेश से लोग शामिल हैं दोस्तों, और कई देश विदेश से कई लोग शामिल हैं। बस इसी खुशी में यही बात था कि टीचर्स प्रोफेसर के लिए मैंने आज ही के दिन, आज से, हाँ लेकिन ये बात, ये 50% डिस्काउंट ओनली 5th of September तक ही सीमित है, 5th of September टिल 9 PM, 9 बजे रात तक, उसके बाद लागू नहीं रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। बस यही कहना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए, बाकी हमारे सर्विसेज तो आपको जानकारी है ही है, हमारा मल्टीवेगर में भी दोस्तों बहुत चमत्कार हुआ है, अब क्या कहूँ आपसे,
चलते चलते मल्टीबैगर दोस्तों 5 दिन में मेरा एक मल्टीबैगर स्टॉक 60% बढ़ गया। ये सत्य है, सिर्फ 5 डेज में 60% एप्रिसिएशन। ये जोरदार बात है, क्या कहें। और एक तरह से तो मैं देख रहा हूं, अगर मैं 1 वीक या 10 दिन के पिछले रूप में उसका भाव देखता हूं तो ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया है दोस्तों, और वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। आप इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन सत्य है, तो सत्य को हमने सामने कह दिया दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।